ये डिविडेंड क्या होता है, कैसे डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड जो अच्छी कंपनियां जो डिविडेंड पे करती हैं किस कंपनियों को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी होती है, और कैसे ये डिविडेंड के रूप में हम टैक्स फ्री इनकम पा के अपना एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं और अपना साल का एक रिटर्न पा सकते हैं। तो कौन सी सबसे अच्छी कंपनियां जो आपको रेगुलर डिविडेंड देंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को जरूर सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिविडेंड क्या होता है और कैसे डिविडेंड वाली कंपनियों को हमें सेलेक्ट करना चाहिए और कब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपको सबसे अच्छे डिविडेंड प्लेइंग जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है वो कैसे, किन चीजों का ध्यान रख के डिविडेंड पेइंग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल मनी एक्सपी। तो सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब ये होता है कि कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसका एक शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे 100 करोड़ अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो 100 करोड़ में से 20 करोड़ शेयर होल्डर्स को दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रमोटर जो होता है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर होता है। तो अगर मान लीजिए 20 करोड़ में से कंपनी के अगर टोटल जो प्रमोटर है 75% होल्डिंग है तो 15 करोड़ तो प्रमोटर के पास ही चला जाएगा, बाकी 5 करोड़ निवेशकों में आएगा। तो ये एक तरीका होता है जिस तरह से प्रमोटर भी पैसे कंपनी से निकालता है एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो देखिए ये होता है डिविडेंड के रूप में स्टॉक्स देना, ठीक है, मतलब पैसे का मुनाफा देना। अब डिविडेंड के बारे में जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ दो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंटेज। क्योंकि लोग डिविडेंड परसेंटेज के रूप में डिक्लेयर करते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि कंपनी कहते हैं कि 100% डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है। अब 100% डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपये का 100% यानी 10 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये और उसने 200% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो यानी 2 रुपये होता है। लेकिन यहाँ डिविडेंड परसेंटेज से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिविडेंड यील्ड से। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड बताता है कि हमारा कितना करंट मार्केट प्राइस का कितना रुपये वो डिविडेंड है। मतलब कि अगर मान लीजिए 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और मार्केट प्राइस अगर 100 रुपए है तो यानी आपको 10% मिला एज अ वो डिविडेंड करंट मार्केट प्राइस का 10% है। तो डिविडेंड यील्ड बता रहा है कि एक्चुअली में हमें कितना रुपया मिल रहा है डिविडेंड के भाव में, और डिविडेंड परसेंटेज नहीं, डिविडेंड यील्ड इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है डिविडेंड एडजस्टमेंट क्या होता है। तो मतलब देखिए तीन डेट जो होता है आपको ध्यान में रखना चाहिए। रिकॉर्ड डेट होता है कि जिस दिन आपके डीमैट में वो अकाउंट रहना चाहिए, वो शेयर रहना चाहिए कि आपको डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। ये कैसे होता है? ये यूजुअली होता है कि जब आप डीमैट खरीदते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं, वो 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आता है। तो रिकॉर्ड डे है कि उस दिन जिसके भी अकाउंट में रहेगा, जिसके भी डीमैट में शेयर रहेगा, उसको डिविडेंड मिल जाएगा। अब आपको आखिरी दिन कब खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली 2 दिन पहले खरीद सकते हैं। 2 दिन पहले खरीदेंगे तभी तो रिकॉर्ड डेट को आपके उसमें आएगा। तो मिनिमम 2 दिन पहले तो आपको खरीदना है रिकॉर्ड डेट के। एक्स डेट क्या होता है? रिकॉर्ड डेट के 1 दिन पहले। एक्स डेट मतलब होता है कि जिस दिन से आप अगर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी आप 2 दिन पहले खरीदते तो मिलता है लेकिन 1 दिन पहले खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, वो होता है एक्स डेट यानी 1 डे प्रायर। उस दिन क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि जितना भी डिविडेंड मिल रहा है उतना, तो यूजुअली क्या होता है कि जितना भी आपको डिविडेंड मिल रहा है उतने से ही आपका, उतने ही रुपए से आपका स्टॉक प्राइस गिर जाता है एक्स डेट को। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मान लीजिए 100 करोड़ टोटल कंपनी के पास पैसा है, अब कंपनी को 20 करोड़ आपको देना है। अब कंपनी ने आपको 20 करोड़ दे दिया तो कंपनी के पास 80 रुपए ही तो बचा, तो यानी उसका उतना ही रेशियो में, जितने रेशियो में उसने डिविडेंड दिया कंपनी की नेटवर्थ भी तो उतनी कम हो गई। इसीलिए डिविडेंड वाले दिन कंपनी एडजस्ट कर लेती है और उतना ही, जितने से वो डिविडेंड देती है उतने ही प्राइस से कम हो जाता है स्टॉक प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कैसे आप अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स कंपनी को सिलेक्ट करें, क्योंकि कई स्टॉक हाई डिविडेंड देती है, क्या आपको सब में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए तीन चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। पहला होता है हाई डेब्ट की कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो कंपनी के पास हाई डेब्ट है उस कंपनी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि हाई डेब्ट के साथ अगर वो डिविडेंड दे रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और जो उनके जो प्रमोटर्स है वो चाहते हैं पैसा निकालना कंपनी से, इसीलिए दे रही, क्योंकि अनलेस जो कंपनी अर्निंग कमा रही है उसको उसे डेब्ट में पेमेंट करना चाहिए, लेकिन वो अगर डिविडेंड दे रही है तो ये गलत बात है। तो इसीलिए हाई डेब्ट वाली कंपनी को अवॉइड कीजिए। जो कंपनी डिविडेंड देती है उसका फ्री कैश फ्लो, मतलब जो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कैश फ्लो आना चाहिए, डे टू डे उनका जो सेल्स हो रहा है उससे प्रॉफिटेबल पैसा आना चाहिए।
तो ये आपको पहली चीज ध्यान में देनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए इनकंसिस्टेंसी, मतलब अगर कोई कंपनी एक साल में अपना फेस वैल्यू पे 100% देती है, दूसरे साल में 20% देती है, तीसरे साल में 200% देती है, चौथे साल में 40% देती है, तो ये इनकंसिस्टेंट वाले स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे पता नहीं आपको आगे डिविडेंड मिले ना मिले। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है पे आउट रेशियो, जो आपको ध्यान में देना चाहिए। अब पे आउट रेशियो क्या होता है? पे आउट रेशियो होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर कह लीजिए कि कंपनी पर शेयर कितना मुनाफा कमा रही है, और डिविडेंड पर शेयर होता है पर शेयर कितना डिविडेंड दे रही है। अब इससे क्या आपको अंदाजा लगा सकते हैं इस रेशियो से? मान लीजिए कंपनी का डिविडेंड पर शेयर ज्यादा है और उसका अर्निंग्स पर शेयर कम है, तो इसका मतलब वो पे आउट ज्यादा कर रही है, उसके कंपनी से कैश जाता जा रहा है और आ नहीं रहा है। अर्निंग्स मतलब जो पैसा आ रहा है, डिविडेंड मतलब जो पैसा जा रहा है एक्सपेंस के बाद। तो अगर जाता रहे ज्यादा और आए कम, तो वो कंपनी सस्टेन थोड़ी ना करेगी। तो इसीलिए आपका जो पे आउट रेशियो है वो इतना, मतलब कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा रहना चाहिए और डिविडेंड पर शेयर कम रहना चाहिए, ताकि वो पे आउट रेशियो मेंटेन रहे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 70% 80% के ऊपर पे आउट रेशियो ना रहे। अब इसके साथ ही एक चीज और आपको हेल्प करेगी सेलेक्ट करने में अच्छे स्टॉक्स, वो क्या है कि जैसे कि अगर आप PSU स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास फ्री कैश फ्लो अच्छा है, जैसे कोल इंडिया की बात कर लीजिए। कोल इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसका सेल्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसका बड़ा प्रॉफिट आता है हर बार, और वो अपने प्रॉफिट को आराम से बांट सकती है, डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो है। तो इस तरह का, और जिसमें गवर्नमेंट प्रमोटर है, सारे PSU में गवर्नमेंट प्रमोटर है, और इसका जो भी प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट ले लेती है प्रॉफिट, क्यों? गवर्नमेंट प्रमोटर है, जब वो डिविडेंड देता है तो मेजॉरिटी पैसा तो गवर्नमेंट को चला जाता है, तो उससे आपको भी फायदा होगा। इसीलिए PSU स्टॉक्स स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं केवल डिविडेंड पर्पस से इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन कौन से PSU स्टॉक्स? जिसमें फ्री कैश फ्लो हो और डेप्ट कम हो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो और उनकी स्टेबल अर्निंग, उनके एक अर्निंग दिख रहा है। जो दूसरी पॉइंट है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग उसका नॉट, इट शुड नॉट बी लिंक टू अनसर्टेन फैक्टर्स। अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिगो भी एक स्टॉक है जो अच्छा डिविडेंड पे किया है हिस्ट्री में, लेकिन अगर आप इंडिगो का रिजल्ट देखेंगे इस बार का, तो क्रूड की वजह से इंडिगो का रिजल्ट खराब हो गया, अब उसके पास कैश ही नहीं है, तो वो डिविडेंड कहाँ से देगी? अगर देती है तो यानी उसके पास कैश कम है, पुराने कैश से डिविडेंड दे रही है। आगे मान लीजिए उसका रिजल्ट खराब आता रहा, क्रूड का प्राइस ऊपर जाता रहा, तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो एक्सपेक्टेड अर्निंग होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए, जिस कंपनी को आप डिविडेंड का एक्सपेक्टेंसी के लिए कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन कोल इंडिया, कोल इंडिया में जो उसका सेल्स है आप देखिए कांस्टेंट है, कोल का उनका फिक्स क्लाइंटल है और कोई उसमें मोनोपोली है उनकी, तो वो अर्निंग उनकी हर साल आती रहेगी, ये गारंटीड है, क्योंकि कोयले का दाम तो खुद से वो निकाल लेना, उसको तो किसी इंटरनेशनल फैक्टर से इतना ज्यादा लिंक नहीं है कोल प्राइस। तो इस तरह के बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर इतना चीज हमने जान लिया, तो अब चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं कि जो बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं और जिनको आपको खरीदना है। देखिए यहाँ पे कोल इंडिया, HPCL, REC, BCL, मॉयल, हिंदुस्तान जिंक, कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल इसमें प्राइवेट कंपनी है, बाकी इसमें सरकारी कंपनी है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको स्टॉक तो ये डिविडेंड देंगे, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में 5% प्लस डिविडेंड मिलता है, मतलब आपको साल का 5% प्लस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको खरीदना कब है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये एंट्री होती है डिप्स पे, मतलब ये जब किसी टेम्परेरी रीजन से करेक्ट कर जाए स्टॉक्स, तो इसको लेना है। जैसे REC बहुत दिनों से बिल्कुल लोएस्ट 52 वीक लो कुछ दिन पहले मारा था, लेकिन कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं थी, ठीक है, लेकिन डिविडेंड पे करता है, प्रॉफिटेबल कंपनी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये सब अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी एक हाई बेस के साथ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, सो जिंक में तो चलिए जिंक के साथ थोड़ा लिंक दे, तो थोड़ा आपको ग्लोबल फैक्टर का ध्यान है, लेकिन कोल इंडिया एक स्पेशली केस है, बहुत अच्छी कंपनी है। HPCL, BPCL जिसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक और गवर्नमेंट को पैसे चाहिए रहते हैं, हर बार वो डिविडेंड देती है। अब वैसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं और आपको देखना है पास हिस्ट्री, तो ये खुद कैसे करते हैं, चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, मैंने मनी कंट्रोल पे NSE टॉप डिविडेंड स्टॉक्स खोल लिया है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट किया है कि सारे स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा डिविडेंड फील्ड में, देखिए आपको सबसे ऊपर दिखा रहा है इंगरसोल रैंड, जिसने 36% का डिविडेंड दिया, मतलब 568 प्राइस है, तो कह लीजिए कि 36% जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है डिविडेंड दिया है। लेकिन क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? अब चलिए देखते हैं इसकी डिविडेंड हिस्ट्री। अगर आप इसके डिविडेंड हिस्ट्री वाले टैब पे व्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर बार वो 60% का डिविडेंड देता था, लेकिन इस साल उसने 2080% का डिविडेंड दिया, यानी एक इनकंसिस्टेंस है।
ये किसी पर्पज से हो सकता है, प्रमोटर को पैसा चाहिए होगा इसलिए उसने सबको डिविडेंड दे दिया ताकि प्रमोटर को भी पैसा मिल जाए जो 75% होल्ड करता है। तो यहाँ पे देखने की बात है कि ये इनकंसिस्टेंट डिविडेंड है, इसमें आपको नहीं लगाना है। ऐसे गीतांजलि जेम में देखिए, आप देखिए इनकंसिस्टेंट डिविडेंड है और 8% ईल्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसका प्राइस जो है वो गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया था। खैर अब तो वो बस्टेड कंपनी हो गई तो ये अवॉइड कीजिए, सबको पता है गीतांजलि जेम्स। अब इंडियन ऑयल के बारे में देखिए, IOC के बारे में, यहाँ देखिए आपको धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डिविडेंड मिल रहा है कि धीरे धीरे साल दर साल डिविडेंड परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे काम का स्टॉक है। अब IOC में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्ट कब करना है, आपको डिप पे इन्वेस्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे IOC का चार्ट अगर खोलेंगे, तो यहाँ पे IOC का चार्ट यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। आप देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चार्ट में आपको दिखेगा कि भाई ये जो लेवल्स हैं इनकी, जो ये चार्ट है, तो यहाँ पे आपको देखिए जब ये डिप मिल जाए, अच्छा डिप यानी अगर 140-150 के अराउंड है, तो आपको धीरे धीरे इसको एक्युमुलेट करते रहना। तो डिप्स पे ये सारे स्टॉक्स, जैसे कोल इंडिया का स्टॉक है, कोल इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में 240 रुपीज़ के अराउंड पे, तो कोल इंडिया का जो स्टॉक है आप देखेंगे कि जिसमें आपको डिप पे जब आप मिले, जैसे कोल इंडिया जब यहाँ पे गिरा था अराउंड 220 के अराउंड, तब यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था स्टॉक में क्योंकि इसका डिविडेंड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उसने डिविडेंड दिया। तो ये 2-4-5 साल बाद एक्चुअली ये शेयर आपका जीरो हो जाएगा कॉस्ट, मतलब क्योंकि इतना तो आपको डिविडेंड दे देगा जितना वो आपका वैल्यू है। तो 10 साल बाद अगर आप देखिएगा तो आपका फ्री शेयर्स आएंगे, लेकिन आपको फ्री मतलब एक रेगुलर डिविडेंड के रूप में ये इनकम देते रहेंगे। और अगर आप इसको डिप्स पे बाई करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेके, तो आपको ये अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं परसेंटेज वाइज में, जैसे 240 से ऑलरेडी वो 300 क्रॉस कर गया था, तो उसमें परसेंटेज वाइज भी अच्छा रिटर्न मिला था। इसी तरह से PFC देखिए आप, यहाँ पे जो डिविडेंड आपका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो स्टेबल रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। एक चीज़ और मैं जो आपको बात करना चाहूँगा कि आपको उस कंपनी की अर्निंग्स भी देखनी है। अब मिसाल के तौर पे स्क्रीनर पे हम जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे कोल इंडिया। कोल इंडिया का मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो क्वार्टर्स है या प्रॉफिट एंड लॉस है किस तरह से। तो देखिए कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग PNL है इसका और एक बहुत बड़ा बेस है, मतलब करोड़ में अगर आप बात करें तो 1,00,000 करोड़ के ऊपर इसका सेल्स है और इसका प्रॉफिट जो है वो 10,000 करोड़ के अराउंड आते हैं, जिसमें वो बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट देता है और कॉन्स्टेंटली देखिए बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट भी है, 20%, 40%, और बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज में भी है और यील्ड में भी अच्छा इसका है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आपको आज के वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।